हाय फ्रेंड, आज हम कोनिफर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक स्पीसीज है पाइनस, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। किंगडम जो है प्लांटी, डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, क्लास कोनिफेरोप्सिडा में आता है, ऑर्डर कोनिफरेल्स, फैमिली पाइनेसी एंड जीनस है पाइनस, जिसकी हम लाइफ साइकिल आज देखने वाले हैं। हम इसके जनरल अकाउंट्स देख लेते हैं। प्लांट जो है वो मोनोशियस होता है, वुडी प्लांट होता है। रूट स्टेम एंड लीव्स में प्लांट डिवाइड रहता है। टू ब्रांचेस होती हैं, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड। प्लांट में स्केल लाइक लीव्स होती है, उनमें मिडरिब प्रेजेंट होती है। एंड पाइनस इनकी स्पीसीज का मेल कौन जो है वो स्मॉल होता है, फीमेल कौन लार्ज होता है। विंग्ड पोलिंग ग्रेन होते हैं, इनके जो पोलिंग ग्रेन होते हैं वो विंग्ड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पाइनस की मॉर्फोलॉजी। तो फर्स्टली हम स्टेम की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। स्टेम इज इरेक्ट, सिलेंड्रिकल एंड वुडी। स्टेम वुडी होता है। ब्रांचेस आर स्पायरली अरेंज्ड। ब्रांचेस जो होती हैं वो इस तरह से स्टेम में स्पायरली अरेंज्ड होती हैं। एंड टू टाइप्स ऑफ ब्रांच होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो अनलिमिटेड शूट होता है, लिमिटेड शूट होता है। जो अनलिमिटेड शूट होता है वो उसे लॉन्ग शूट भी कहते हैं, लिमिटेड जो होता है वो ड्रॉप शूट कहते हैं। तो अनलिमिटेड जो शूट होता है वो सीधा जाता है, जो लिमिटेड शूट होता है वो ब्रांचेस रहती हैं, ये लिमिटेड ग्रोथ करते हैं। उसके बाद बियर स्केले लीव्स, इस पर स्केले लीव्स लगी होती हैं। फिर आते हैं लीव्स की मॉर्फोलॉजी पे। तो निडल स्केले लीव्स, इसकी जो लीव्स होती हैं वो निडल लाइक या स्केले लीव्स होती हैं। लीव्स आर ऑन बोथ शूट्स, दोनों शूट्स पर लीव्स प्रेजेंट होती हैं। टू टाइप्स ऑफ लीव, लीव टू टाइप की होती है, स्केले लीव होती है एंड फॉलियस लीव होती है। फॉलियस लीव जो होती है वो ड्वार्फ शूट पे ग्रो करती है, एंड जो स्केले लीव होती है वो लॉन्ग शूट पर ग्रो करती है। मॉर्फोलॉजी देखने के बाद हम पाइनस की एनाटॉमी देखेंगे। तो फर्स्टली हम उसमें देखेंगे रूट की एनाटॉमी। ये रूट का टीएस बना हुआ है, तो इस तरह से दिखाई देती है। फर्स्टली हम देखते हैं तो दिखाई देता है रूट हेयर्स, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एपिप्लेमा होती है, देन कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में जो है वो रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। ये कैनाल्स जो है वो फंजाई और इंसेक्ट्स इनको रूट को प्रोटेक्ट करती हैं। देन एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल आती है, फिर जाइलम एंड फ्लोएम आते हैं। तो जो जाइलम होता है, ये फ्लोएम है, इस टाइप का सिनेरियो फ्लोएम को दिखाई देता है, एंड ये जाइलम इस तरह से दिखाई देते हैं। तो जो इस साइड वाले आगे वाले जाइलम होते हैं वो होते हैं प्रोटोजाइलम, एंड जो बीच में पिथ के साइड जो जाइलम होते हैं वो होते हैं मेटाजाइलम। एंड ये फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में छोटा सा अनडेवलप्ड पिथ प्रेजेंट होता है। रूट की एनाटॉमी के बाद हम स्टेम की एनाटॉमी देख लेंगे। तो फर्स्टली हमें उसमें एपिडर्मिस दिखाई देती है। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में रहती है रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट। रेजिन कैनाल्स के बाद वेस्कुलर बंडल इस रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्टली हमें दिखाई देता है फ्लोएम बाहर की तरफ, बीच में कैम्बियम होती है, फिर जाइलम होता है। जाइलम टू टाइप का होता है। जो कैम्बियम के पास वाला जाइलम होता है पीछे की तरफ, वो होता है मेटाजाइलम, एंड जो सबसे आगे कोने में जो जाइलम होता है वो होता है प्रोटोजाइलम। देन वैस्कुलर बंडल को सर्कुलेट किए हुए बीच में बड़ा सा पिथ प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल्स के बगल से कुछ मेडुलरी रेस निकली हुई होती हैं, इस टाइप की। इन रेसेस का ये काम है कि ये जो सेंट्रल से विटामिन मिनरल्स कलेक्ट करके पेरिफेरल सेल्स तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो ये थी हमारी स्टेम की एनाटॉमी। के बाद हम देखेंगे लीफ की एनाटॉमी। तो लीफ की एनाटॉमी में फर्स्टली स्टोमाटा देखने को मिलता है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, देन मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड मेसोफिल सेल्स में रेजिन कैनाल प्रेजेंट होती है। इनका वर्क मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद एंडोडर्मिस लेयर होती है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल होती है, एंड पेरिसाइकिल के अंदर लीफ में जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो बाहर की तरफ होता है वो फ्लोएम होता है, एंड अंदर की तरफ जो होता है वो जाइलम होता है। एंड ये लीफ कुछ निडल लाइक स्ट्रक्चर्स टाइप की दिखाई देती है।
एनाटॉमी के बाद हम देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आपको पता है कि जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता नहीं है, उनमें सिर्फ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी मेल एंड फीमेल स्ट्रोबुलस की हेल्प से। तो हम मेल स्ट्रोबुलस को पहले देख लेते हैं। मेल स्ट्रोबुलस जो है वो क्लस्टर्स फॉर्म में होता है, ब्रांच में क्लस्टर्स फॉर्म में होता है, लॉन्ग शूट पे ओरिजिन होता है। इसके जो दो शूट होते हैं लॉन्ग एंड ड्राफ शूट, तो लॉन्ग शूट पे ओरिजिन होता है। एंड जो मेल स्ट्रोबुलस की लेंथ है वो 3.4 सेंटीमीटर की होती है। ये माइक्रोपाइल से घिरा हुआ होता है जो मेल स्ट्रोबुलस है, उसमें बहुत सारे माइक्रोपाइल पाए जाते हैं स्ट्रक्चर में, आप देख सकते हैं। एंड जो एक माइक्रोपाइल है वो दो माइक्रोस्पोरेंजिया से मिलकर बना होता है। एंड जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन्स रहते हैं, वो भी विंग्ड। पोलन ग्रेन्स इसके कैसे होते हैं, विंग्ड। एंड जब ये पोलन ग्रेन्स अपने स्ट्रोबुलस से बाहर निकलते हैं तो वो बहुत सारी क्वांटिटी में निकलते हैं, तो उसे शावर ऑफ सल्फर कहा जाता है। जब ये बाहर की तरफ उड़ते हैं तो एक सल्फर ऑफ शावर की तरफ तरह दिखाई देते हैं, तो इन्हें शावर ऑफ सल्फर कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फीमेल स्ट्रोबुलस। तो फीमेल स्ट्रोबुलस जो होता है वो 3 ईयर्स में कंप्लीट हो पाता है, 3 ईयर्स में मैच्योर हो पाता है। प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड, प्लांट की लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। एंड मेगा स्पोरोफिल कंटेन किए रहता है। मेगा स्पोरोफिल जो है वो एपोफाइसिस एंड माइक्रोफाइल माइक्रोपाइल, इनमें जो एपोफाइसिस होता है वो उनके नीचे का पार्ट होता है, एंड जो माइक्रोपाइल वहीं पे साइड में प्रेजेंट होता है, जिससे कि पोलन ट्यूब अंदर जाती है। एंड जो इनका टर्मिनल पार्ट होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। एंड ओव्यूल जो इसके अंदर माइक्रोफिल के अंदर जो ओव्यूल रहता है वो इंटेग्यूमेंट से जो है वो कवर्ड रहता है। इसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। तो इसका फर्टिलाइजेशन इस टाइप से होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो फीमेल कोन तक जब पहुंच जाते हैं, तो फीमेल कोन पर पहुंचने के बाद ये फीमेल कोन के माइक्रोपाइल पे पहुंचते हैं। माइक्रोपाइल में पहुंचने के बाद जो माइक्रोपाइल की नली होती है या माइक्रोपाइल होता है, उसमें एक ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, वाटर ड्रॉप या किसी भी सैप की ड्रॉप होती है, वो ड्रॉप पोलन ग्रेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने से चिपका लेती है। एंड जब पोलन ग्रेन्स इन ड्रॉप से चिपक जाते हैं, तो ड्रॉप चिपकने के बाद ये श्रिंक होने लगती है, ये जो ड्रॉप है वो अंदर की तरफ जाने लगती है, ओव्यूल की तरफ। जब ये ओव्यूल की तरफ चली जाती है तो ये पोलन ग्रेन जो है वो ओव्यूल के सरफेस पे पहुंच जाता है। एंड ओव्यूल के सरफेस पे पहुंचने के बाद इसके अंदर के पार्ट को जो है वो आर्किगोनिया कहते हैं। तो आर्किगोनिया की वॉल से जब अटैच हो जाता है तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है। जब भी पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब जर्मिनेट करने लगता है तो उसके साथ साथ उसके अंदर के जर्म सेल्स में डिवीज़न होता है। डिवीज़न करके ये अपनी ट्यूब के थ्रू ये स्पर्म सेल्स न्यूक्लियस के अंदर भेज देता है, और ये न्यूक्लियस से फ्यूज होने के बाद जायगोट बना लेते हैं। एंड जायगोट बनने के बाद ये अपनी प्रोसेस पूरी करके सीड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस टाइप से जिम्नोस्पर्म के पाइनस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।